गुड मॉर्निंग किड्स, बच्चों 15 अगस्त भी आ रही है और रक्षाबंधन भी आ रही है, तो क्यों ना हम अपने फौजियों के लिए आज राखी बनाए। तो जब फौजी की बात आई और देश की बात आई है तो तिरंगा तो हमारी शान है, तो आज हम तिरंगी राखी बना के आपको दिखाते हैं। और इसमें कुछ नहीं, आपको सैफ्रन कलर का कागज लेना है, ग्रीन लेना है और व्हाइट लेना है। इनमें से आप क्या करेंगे, इस तरह से सर्कल, हर कलर के 4 सर्कल काटे एक ही साइड। ये देखिए ये मैंने काटे हुए हैं, इस तरह सर्कल काटे। एक बेस बनाने के लिए, क्योंकि ये राखी ये सर्कल हैं तो ये लंबी राखी बनाएंगे, इसलिए इसका बेस भी हमें लंबाई मिलेगी। देख लेते हैं ये कागज बराबर है या नहीं, और मटेरियल तो आप जानते ही हैं क्योंकि ये तिरंगा है तो इसमें कलर के अलावा ज़्यादा डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, डोरी बांधने के लिए हमने जरूर इसे भी मैंने साटन रिबन को 3 रंगों से रंग के इसकी चोटी बनाई हाथ में बांधने के लिए। तो ये हो गई हमारी डोरी। अब हम इसके बेस को देख लेते हैं, ये बराबर है नहीं है तो हम इसे बराबर करें। जहां जहां हमें मजबूती करनी होती है क्या तो हम पूरे में लगा देते हैं, या फिर जहां मजबूती ज्यादा देनी हो तो बच्चों वहां पर फेविकोल लगा करके आप पीछे से एक कागज लगा देंगे तो राखियां जल्दी से टूट के गिरती नहीं। तो हमने एक सर्कल बना लिया। अब एक पेन की जरूरत आपको पड़ेगी। आप इन सर्कल को क्या कीजिए, इस पेन के ऊपर साइज लेना है, इसके ऊपर हमने रखा और इसे राउंड कर दिया। देखिए अब यहाँ पर हम पकड़े हुए ही हम यहाँ पर थोड़ा सा फेविकोल लगा के इसे राउंड शेप में बना। पेपर की हमें जरूरत नहीं, इन्हें हटा देते हैं। ये हमने सब कलर के बनाए। अब पेन की भी जरूरत नहीं है, इसे साइड कर देते हैं। ये जो हमने बेस बनाया अब इसका काम, सबसे पहले हम लोग सैफ्रन कलर लेते हैं, हम इसमें लगा ही लेते हैं कलर। ये फेविकॉल हमने जिधर ज्वाइन
हैंड हेल्ड कर इसको हम लोग ऊपर रखेंगे। एक कलर हमने लगा दिया। अब हम लोग को करना चाहिए कि हम अपनी घोड़ी को पहले नीचे लगा देते हैं। यदि आपका पेपर छोटा हो तो बड़े पेपर की तलाश ना करें, उसे बराबर काट के बराबर और आपस में ज्वाइंट कर लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाए। जो डोरी है जो तिरंगी हमने बनाई है इसका एक सिरा हम इधर लगा सकते हैं। यदि आप बड़ी बनाते हैं तो आप पूरे में लगा सकते हैं, यदि आपकी डोरी छोटी पड़ जाए तो आप उसे हाफ हाफ लगाइए और बेटर होगा हाफ ही लगाएं, नहीं तो लेयर बहुत मोटा हो जाता है। व्हाइट कलर भी लग गया और ग्रीन कलर भी लग गया। बना अब हम इसके बीच में एक चक्र रखेंगे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि चक्र में बनाना होगा। एक ब्लू कलर का सितारा लगा दीजिए या ब्लू कलर का स्टोन हो तो वो लगा दीजिए। ये मेरे पास देखिए एक सितारा है, मैं वही बना दूँगी। बच्चों सब चीज़ आपके पास ही अवेलेबल होगी और एक बड़ी